देश की बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और किया शिलान्यास, साथ ही 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वहीं रायपुर रेल मंडल के 18 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का किया शुभारंभ। रायपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री टंक राम वर्मा समेत अन्य शामिल हुए। बिलासपुर कोलकाता और बिलासपुर नई दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा आज से हुई शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान बिलासा एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह ने भी हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को किया रवाना। छत्तीसगढ़ सरकार 14 मार्च को खिलाड़ियों को करेगी सम्मानित। राजधानी रायपुर में स्टेट लेवल अलंकरण समारोह का होगा आयोजन, जिसके तहत अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। चुनिंदा खिलाड़ियों को सरकार नौकरी भी देती है। मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार में इस कार्यक्रम को रोक लगा दिया गया था, लेकिन अब फिर से प्रदेश में बीजेपी सरकार खिलाड़ियों का करेगी सम्मान। राज्य शासन ने सोमवार को बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के तबादले किए। इनमें 3 IPS, राज्य पुलिस सेवा के 25 अफसर और 50 थाना प्रभारी शामिल है। राज्य सरकार ने रायपुर रेंज के IG अमरेश मिश्रा को ACB EOW का नया चीफ बनाया। IPS यशपाल सिंह को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया। वहीं वहाँ की SP रही रत्ना सिंह को PHQ में AIG प्रशासन की जिम्मेदारी दी गयी। गरियाबंद के 1992 आबादी वाले सुपेबेड़ा गांव में 15 साल में 95 की मौत किडनी की बीमारी से हुई है और 35 अब भी बीमार है, लेकिन दी जाने वाली सरकारी सुविधा में क्रियान्वयन एजेंसियों की सुस्त चाल रोड़ा बन रहा है। यहां 4 साल बाद बना उप स्वास्थ्य केंद्र, उसमें भी कई खामियां हैं। वहीं 2 साल पहले मंजूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की नींव अब तक खड़ी नहीं हो सकी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर वासियों के लिए अब दिल्ली की राह आसान हो गई। जगदलपुर से दिल्ली की फ्लाइट आज 12 मार्च से शुरू हुई। दोपहर 12 बजे फ्लाइट जगदलपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर होते हुए सीधे दिल्ली पहुंच जाएगी। आज जगदलपुर एयरपोर्ट पर विमान को वाटर कैनन से सैल्यूट किया गया। बीजापुर जिले में सोमवार को 2 अलग अलग नक्सल वारदात हुई। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में हुई मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। वहीं बीजापुर जिले में ही नक्सलियों ने आरक्षक के बड़े भाई की अपहरण के बाद हत्या कर दी। प्रदेश में मार्च महीने की शुरुआत से गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आलम यह है कि दोपहर होते ही लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे। इस बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 मार्च से एक बार फिर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। इस दौरान कई जिलों में बारिश की संभावना है।